गाइस कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुमित। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है माइनक्राफ्ट गेम। और फिर चलिए माइनक्राफ्ट का गेम स्टार्ट करते हैं। खाना चाहता हूँ माइनक्राफ्ट के पहले एपिसोड में। तो चलिए माइनक्राफ्ट के पहले एपिसोड में हम लोग वो चीज़ देखने चलते हैं। तो वो चीज़ देखने के लिए वहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, वो है मेरा एरिया। वो नहीं है, वो तो एक विलेज है, वो है मेरा एरिया। वहाँ पे मेरा घर है और है सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइनक्राफ्ट की पहली वीडियो। तो गाइस शुरुआती में अगर मैं आपको अपना घर दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। बाउंड्री मैंने पूरा लगा रखा है। और फिर तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। और मैं मुंडी इसीलिए नीचे करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे चीज़ है ना जो आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो मैं आपको वन बाय वन दिखाना चाहता हूँ मेरे घर के टूर के बाद। ओए तोते। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे चलते हैं। पहले गाइस ये है मेरा घर जो कि नीचे का फ्लोर पूरा टूटा फूटा सा पड़ा हुआ है। और ये प्रेशर प्लेट्स कुछ इस तरह का काम करता है। और ये है मेरा स्पेशल, ये क्या बोलते हैं इसे, अलमारी जैसा कुछ। और इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए मेरे पास क्या क्या है। किसी को अगर लेना है तो मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है और फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये सब ले लेना, भाड़ में दे दूंगा आपको। तो चलिए गाइस ये तो ख़त्म हो गया। और फिर ये मेरा एक ही बेड पड़ा है। और इधर ही ये दरवाज़ा, तो ओए वो चीज़ दिख रहा है मेरा वो चीज़। नहीं 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 दिखाऊँगा मैं, बाद में दिखाना है इसे। तो चलिए गाइस ऐसे ये तो हो गया। और हम इस तरफ अभी चलते हैं। इस तरफ चलने के बाद ये है हमारा सीढ़ी ऊपर जाने का। ऊपर जाने के बाद गाइस हम आपको ये सब देखने को मिलेगा। और फिर ये कुछ इस तरह का दिखता है। और ये है मेरा रूम। और फिर ये डबल बेड। और ये है टीवी देखने का जिसमें स्केलेटन नहा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, चप्पल पे बैठा है। ये एनचेंटिंग वाला, ये देखिए अच्छे से। और फिर जाके हम लोग चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे ज़्यादा कुछ तो अच्छा नहीं है। ये एक पोर्टल मैंने सिर्फ बना रखा है इधर। और तो चलिए गाइस दूसरे घर को चलते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये है मेरा घर, ठीक है, ये है मेरा वाला घर। और फिर ये मेरे घर के साइड में मैंने एक बड़ा सा अपार्टमेंट जैसा बना रखा है। तो चलिए अपार्टमेंट में घुसते हैं अभी। तो घुसते घुसते ही आपको ये दरवाज़ा दिखेगा। और फिर ये दरवाजे के पास ये दरवाज़ा दिखेगा। और फिर इधर चेस्ट आपको मिलेंगी बहुत सारी जिसमें मेरा ख़जाना भरा हुआ है। और फिर इधर आपको स्पेशली चेस्टों का माल दिखेगा। ऐसे आप करेंगे प्रेशर प्लेट के ऊपर और फिर आपको चेस्ट में चीज़ें निकालने का मिल जाएगा सारा। और फिर ये ख़त्म होने के बाद हम लोग अभी ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए ऊपर मेरा आलीशान बेड रखा हो गया है, आलीशान बेड। और ये आलीशान खाने का टेबल वेबल सब। और ये है मेरा रूम सुमित। तो चलिए मेरे रूम में क्या है देखते हैं। ये सब चेस्ट वेस्ट। और ये बेड यहाँ पे सिंगल वाला, बहुत बेकार सा रूम है मेरा। फिर भी चलो जो भी है ठीक है, अपने के लिए बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा तीसरा घर। तीसरे घर में क्या है आप इधर से देख सकते हैं। हम लोग अभी एंट्री करेंगे तीसरे घर पे हमारे। तो फिर ये तीसरे घर में जाने के वक्त ये पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बना रखा है, स्पेस खाली रह गया इधर ये घर के ये रूम में, इसीलिए ऐसे ही बना दिया। और फिर ये टेबल रखा गया इधर। और फिर आपको ये रूम में कुछ भी नहीं दिखेगा। और फिर हम अभी ऊपर चलते हैं। तो ऊपर, अरे यार जलना, चल जल्दी चल। तो फिर देखिए ऊपर मेरा फिर से आलीशान बेड रखा गया है, वो भी दो दो। और फिर टेबल भी रखा गया है। और ये फिर से हम लोग ऊपर जाएंगे, वो भी फ्लैश की स्पीड में। नहीं ये नहीं हुआ। चलिए देखा आप लोगों ने, ओए सीक्रेट फट जाएगा मेरा। तो ये है टेबल वेबल और कुछ कुछ। और ये बाहर जाने का रास्ता। और फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चौथा घर मेरा। तो चौथे घर में क्या है,
तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा चौथा घर जो कि आसमान से भी ऊपर गया हुआ है। तो दोस्तों चलिए, अभी ये सीढ़ी मैंने क्यों लगा रखी है, मतलब मैंने अंदर इतने सारे क्रिएटिव भर रखे हैं कि इधर मुझे सीढ़ियां लगानी पड़ी पूरे ऊपर जाने के लिए। तो चलिए गाइस अभी इधर से ऊपर मतलब अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। देखिए आप, ये बहुत अच्छे अच्छे आपको रूम्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स मिलेंगे, इसका मैनेजर मैं हूँ। और फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर, ये खाने का टेबल वेबल सब पड़ा हुआ है। और मेरे रूम को आप जाना चाहेंगे तो मेरे रूम के लिए भी मैंने यहाँ पे सीढ़ी नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने ये बनाया कुछ एडजस्ट करके। तो देख लीजिए, ये है मेरा रूम। और फिर इधर फिर से वही आलिशान बेड, और फिर आलिशान बेड के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारा ऐसे ही टेबल। और फिर आप सोच रहे होंगे ये भाई टेबल ऐसे क्यों लिमिटेड कर रहा है, लेकिन नहीं, इसके नीचे एक कांच है। ये देखिए, मैं इसको अभी तोड़ूंगा, देखा ये इस तरह का टूटता है और फिर बहुत ये ऊपर तक गया है। और फिर अगर मैं आपको इसके पूरे ऊपर वाला लुक दिखाऊंगा ना, तो क्या होगा पता है आप लोगों को। तो चलिए पहले दिन में कर देता हूँ, ठीक है, रात है, पहले दिन कर दूंगा, फिर पांचवें चीज़ को देखने चलेंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग, मेरा नाम है सुमित। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो तो कब से शुरू हो चुकी है, मतलब देखना चाहते हैं आप लोग पांचवा चीज। रेडी, 1, 2 and 3। तो टन 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 टन, देख सकते हैं आप लोग जैसे कि ये है हमारा बोइंग 737, एयरप्लेन का नाम है बोइंग 737। और फिर हम इसके अंदर अभी जाने वाले हैं, ये एरोप्लेन के अंदर। तो आप ये घर भी आप लोग देख सकते हैं, अभी देखिए कितना बड़ा है और कितना स्टाइलिश है दिख रहा है। तो चलिए ये बोइंग 737 के अंदर चलते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल तो मैं क्रिएटिव मोड खेल रहा हूँ जानबूझ के। और आप लोग सोच रहे होंगे ये टायर ऐसे हवा में क्यों है और मैंने इधर सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई जाने के लिए। ये फैंटम्स क्यों, मैंने तो रात में सोया था। तो गाइस बाद में कॉमेडी देखेंगे। तो चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फ्लोट कर रहा है, तो ये ये अभी भी उड़ने की हालत में है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये अभी भी उड़ रहा है गाइस, ये अभी भी उड़ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये मकड़ा मकड़ी, मैं बाद में आऊँगा, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ऐसा मारूँगा मर जाएंगे सीधे। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ गाइस। तो हम लोग खड़े हो चुके हैं प्लेन के आगे। चलिए प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर आपको दिखेगा इस तरह का एक कंपार्टमेंट। आप सोच रहे होंगे ड्राइवर का सीट कहाँ है, तो ड्राइवर का सीट इसके ऊपर है, मैं वो भी आपको जाके दिखाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है टॉयलेट रूम, फ्लश ये है और इसमें हम बैठेंगे। तो चलिए बैठते हैं इसमें, पहले टॉयलेट करेंगे फिर हम जाएंगे अंदर। चलो हम बैठ गए, चलिए हो गया हमारा काम, अभी हम फ्लश करेंगे। चलिए फ्लश हो गया, अभी बाहर चलते हैं। ये भी एक बाथरूम है और ये भी एक बाथरूम नहीं है, कुछ और है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इससे हमारा ये कंट्रोल होता है और हम ये इससे गेट खोल सकते हैं, ये वाला, और ये गेट हम खोल सकते हैं इससे। और ये गेट जब भी खुल गया तो हम अंदर जाते हैं इसके। तो जो आप देखे होंगे अभी, मतलब आप कभी भी प्लेन में सफ़र किए होंगे तो ये नीचे वाला बेसमेंट जैसा कुछ रहता है, उसमें आपका सारा लगेज जाता है आपके साथ। तो ये है सारा लगेज वगैज रखने का जगह, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड से, फ्लैश की तेज़ी से। ओ भाई, मुंडी टूट गई इसकी। तो चलिए नीचे का बेसमेंट तो आपने देख ही लिया कहाँ पे क्या क्या रहता है। तो चलिए वापस हम लोग ऊपर चलते हैं। तो चलिए ऊपर चलने के बाद ये है ऊपर जाने का रास्ता, तो फिलहाल तो हम ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ये है खिड़कियाँ, और ये खिड़कियाँ चलो बंद करो, धूप आ रही है। और ये प्रेशर प्लेट यहाँ पे क्यों रखाई गई है पता नहीं है, या फिर ये प्लेट्स हैं खाली, प्रेशर प्लेट्स नहीं।
और फिर इधर आपको दिखेगा कि आप ये स्टॉल बेच रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो मतलब। और फिर यहाँ पे बर्थडे केक ये सब रखा गया है। और फिर यहाँ पे है मेन कंपार्टमेंट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ है। और फिर यहाँ पे चेस्ट आपको मिल जाएगा बहुत सारा, और वो ये भी वैसा ही कुछ रूम है। और फिर इस रूम में आपको बाथरूम मिलेगा, ये है टॉयलेट, ये है टॉयलेट, ये है टॉयलेट, और ये वाला है तो आपको पता चल गया होगा वो वाला क्या था। तो चलिए वो भी उस तरह का ही है। और फिर यहाँ पे ये बुक शेल्फ्स की कुछ इस तरह का वी शेप में रखा गया है। और फिर ये सीट्स हैं बहुत अच्छे से। और फिर ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। और इस रूम में स्टार्ट होती है हमारा रियल कंपार्टमेंट, जिसमें आपको बेड भी मिलता है, एक चेयर भी मिलता है, और फिर एक गमला, और फिर कुछ कुछ ऐसा ही मिलता रहता है। और फिर तो चलिए हम लोग इधर चलते हैं। तो हम लोग चलिए पहले क्या करते हैं, मरते हैं। मैं अभी भी प्लेन उड़ रहा है, मैंने जब पहले आपको बोला था ना प्लेन अभी भी उड़ रहा था। तो चलिए ओए, तो मैं वापस आ गया हूँ गाइस। और फिर यहाँ पे ये बेड मैंने लगाया है, और ये भी मैंने, और ये सब बेड बेड रखा गया। और ये कहाँ गया बेड, इसका डबल बेड इधर भी है, डबल बेड है। और फिर ऐसे ही कुछ ये सब भी भरे हुए हैं। और इधर हमारा प्लेन का ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हम ऊपर अभी जाएंगे, अभी हम ऊपर जाएंगे गाइस, ऊपर जाएंगे। चलिए गाइस अभी ऊपर चलते हैं हम लोग। मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ आपको भी पता नहीं चल रहा होगा कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो चलिए गाइस अभी हम ऊपर चलते हैं। ये ऊपर जाने यहाँ पे, ओ अच्छा ठीक है। चलिए गाइस ऊपर चलते हैं। और ये है कुछ रेड कारपेट, मेरा फेवरेट, आलिशान लगता है थोड़ा। और फिर यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा आपको, यहाँ पे भी गेट रख देना चाहिए था, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी हम लोग गेट रख देंगे। और यहाँ पे बेचने का है। और फिर ये है ड्राइवर का सीट, और ये है ये सीट का, ये दरवाज़ा ऑन करने का। और फिर हम लोग आ गए हैं बैठने के लिए। और फिर ओए सीट बंद कर वरना कोई आ जाएगा। तो चलिए अभी प्लेन को ऑन करके चलाते हैं गाइस। तो ये मीडियम पे रहेगा, और फिर ये बंद रहेगा, और ये ओपन ही रहेगा। अच्छा ठीक। और फिर प्लेन का दरवाज़ा बंद कर देंगे। प्लेन का दरवाज़ा बंद करने के बाद ये जो है हमें इसे हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये स्विच भी दबाना पड़ेगा, फिर प्लेन हमारा उड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं ये दबाऊंगा, प्लेन उड़ेगा ऊपर, सॉरी हाँ चलो अभी उड़ेगा ऊपर। 1, 2 एंड 3। तो फिलहाल आप जैसे कि देख सकते हैं प्लेन तो हमारा उड़ा नहीं, लेकिन हम ज़रूर उड़ के बाहर आ गए। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, मैं प्लेन का ऊपर का हिस्सा आपको दिखाता हूँ, वो भी हवा के ऊपर जाके। तो गाइस प्लेन आपको कुछ इस तरह का ऊपर से दिखेगा, और फिर ये हमारा जो बिल्डिंग है ये भी ऊपर से कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए गाइस वीडियो इतने तक ही एंड करते हैं, मैं मिलूँगा आपको इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी बाय बाय नहीं। और आप सोच रहे हो कि मैं इतने सारे चीज़ इतनी जल्दी कर कैसे लिया, तो गाइस मैं उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप गूगल प्ले पे जाके सर्च कीजिए बिल्डर फॉर माइनक्राफ्ट PE, तो पहले आपको जो मिलेगा ऐप वही आपको इंस्टॉल करना है, और फिर जाके इसको कैसे प्रोसीड करना है आगे मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा लूँगा गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो इतने में ही एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।